प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा में लोकसभा की 10 की 10 सीटों पर भाजपा कांग्रेस व अन्य क्षेत्रीय दलों से आगे चल रही है, तो देश में भी नतीजे भाजपा के पक्ष में हैं। देश में भाजपा को मिल रही रिकॉर्ड जीत का जश्न। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में ढोल नगाड़ों के बीच लड्डू बांटकर मनाया। ये बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है, हिंदुस्तान की जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के विकास की जीत है, नरेंद्र मोदी की सकारात्मक राजनीति की जीत है, और जो पार्टियों ने नकारात्मक राजनीति की उनकी हार है। नाचते झूमते भाजपाई ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके। कार्यकर्ताओं ने मंत्री अनिल विज को चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अनिल विज ने भाजपा की जीत को इतिहास की बहुत बड़ी जीत बताया और कहा कि ये हिंदुस्तान की जनता की जीत है। अनिल विज ने अंबाला लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रतनलाल कटारिया को जीत की बधाई दी और इसे नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत बताया। अनिल विज ने जहां भाजपा को मिली इस जीत को नरेंद्र मोदी की सकारात्मक राजनीति की जीत बताया, तो वहीं नकारात्मक राजनीति करने वाली पार्टियों की हार। बता दें, अनिल विज ने चुनाव से पहले दावा किया था कि अंबाला लोकसभा से रतनलाल कटारिया को सबसे ज्यादा लीड दिलवाएंगे, जो कि पूरा होता दिखाई दे रहा है। वहीं अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने भी भाजपा की प्रचंड जीत की बधाई दी है। हिंदुस्तान की जनता का जो विश्वास और प्रेम एक नेतृत्व के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो एक विश्वास जमा है जन जन के अंदर हिंदुस्तान के, आज उसने सभी सवालों के ऊपर विराम लगाया है और एक प्रचंड बहुमत के साथ आज पुनः भारत माता की सेवा करने का मौका नरेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगियों को मिला है और आज हमारा पूरा जो कार्यकर्ता है वो खुशी से और गर्व से गदगद है। तो ना ढूंढने की कोशिश थी क्या? देखिए, कांग्रेसी और सब लोगों ने, सब दलों ने अपनी हार पहले से मान ली थी, लेकिन अब हार का कोई ना कोई बहाना वो ढूंढ रहे थे और ये हमें शुरू से पता था कि ईवीएम के ऊपर विधवा विलाप इन सब लोगों का होना है, और लेकिन इनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि शायद देश की जनता इनके हक में फैसला सुना दे, लेकिन जब इनको लगा कि एग्जिट पोल के बाद एक सुनामी मोदी जी की यहाँ पर बह रही है हिंदुस्तान में, तो उन लोगों ने पहले से एक प्रायोजित विधवा विलाप जो है शुरू किया और आज वो ईवीएम के ऊपर सवाल जरूर उठाएंगे, उनका हक भी बनता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वो ईवीएम के ऊपर ही देश की जनता के ऊपर उठा रहे हैं, क्योंकि ईवीएम के अंदर अगर कुछ कैद हुआ है वो देश की जनता का विश्वास, देश की जनता की आस, और देश की जनता की आस और विश्वास के ऊपर ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं है, ये देश की जनता की आस और विश्वास के ऊपर सवाल है और नरेंद्र मोदी जी इस सब उस आस और विश्वास को कायम रखने का काम करेंगे। और मैं तो और भी कहना चाहता हूँ उससे आगे बढ़कर कि राहुल गांधी जी ने, ठीक है वो कांग्रेस की रैलियों में जाते थे, लेकिन प्रचार उन्होंने किसी न किसी माध्यम से भाजपा का ही किया, क्योंकि जिस भी रैली में जाके आते थे, जाते कांग्रेस के मंच पे थे, लेकिन वोट जो है बीजेपी की बढ़ा के आते थे। सीधा सीधा मुकाबला नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का था। हम लोग कहते हैं कि राहुल गांधी शतायु हों और हमेशा इस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें और इधर नरेंद्र मोदी जी हमारा हमेशा नेतृत्व करते रहें, और अगर कांग्रेस के पास राहुल गांधी है, हमारे पास मोदी है, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा भी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट प्रथम तहलका। प्रथम तहलका न्यूज़।